नमस्कार मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चीन से विवाद चल रहा है लेकिन भारत ने पूरी तैयारी कर ली है अक्साई चीन को हासिल करने के लिए लेकिन चीन इससे कितना बौखलाया हुआ है कितना सहमा हुआ है कि उसने एल पर चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर सर हमने देखा जिस तरीके से चीन ने अवैध घुसपैठ कर रहा है और इससे पहले अक्साई चीन पर उसका अवैध कब्जा भी है भारत ने कई बार चेतावनी दी चीन को और यह कहा कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है इसको खाली कर दो लेकिन अब जो भारत की तरफ से तैयारियां हो रही हैं और इस तैयारियों को देखते हुए चीन कितना बौखलाया हुआ है डरा और सहमा हुआ है कि उसने एल पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी आप क्या कहेंगे इस पर देखिए ये सारा विश्व जानता है कि जो चीन है इसका चाल चलन ऐसा है कि ये दुनिया में एक छत्र शासन करना चाहता है और धीरे धीरे पड़ोसी मुल्कों की सीमा में घुसता है और फिर अवैध कब्जा करता है इसी कड़ी में इसने उन्नीस के बाद भारत में घुसपैठ शुरू की उस समय जो नेहरू सरकार थी दिल्ली में उनकी उदासीनता के कारण और उनकी ढिलाई के कारण ये धीरे धीरे इसने सड़कें बनानी शुरू की और सत्तावन तक उन्नीस तक सड़कें बना दी और फिर उसके बाद सेना लेकर वहां पे बैठ गया और बासठ में पूरी तरह इसने कब्जा कर लिया उसके बाद की सरकारों ने उसको हटाने की कोई कोशिश नहीं की किसी मुद्दे पर बात नहीं की बल्कि वहां से व्यापार और बढ़ाया जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं लेकिन आज की सरकार इसने तय किया है कि भारत की भूमि पर जिस भी देश ने जरा भी कोई कब्जा किया है उसको खाली कराकर ही मानेंगे चाहे वो पीओके हो चाहे वो अक्साई चीन हो तो चीन को लगता था अभी तक के मेरे से कोई कैसे कह सकता है कि खाली करो लेकिन अब ये मोदी सरकार है जिसने आंख में आंख डाल के बात करते हुए कहा संसद से कहा कि अब आपको अक्साई चीन खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है वो लद्दाख का हिस्सा है जिस पर आप अवैध रूप से उन्नीस से बैठे हो उन्नीस की सरकार नहीं है ये ये इस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है जिन्होंने आपके वेलकम में पलक पावड़े बिछा दिए और रेड कार्पेट बिछाते हुए भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया अब भाई भाई ठीक है लेकिन अब चीन का एक भी कोई चाल एक भी कोई कोशिश एक भी कोई प्रयास कामयाब नहीं होगा जैसा कि वो सोच रहा था कि लद्दाख एरिए में अपनी सेना बढ़ाकर कुछ घुड़की दे देगा कुछ धमका देगा आपको बता दूं उन्नीस का जब वो युद्ध हुआ है जब वो अंदर घुसा है उस समय वहां केवल एक ब्रिगेड हमारी बैठी थी एक ब्रिगेड में लगभग दो हजार सैनिक होते हैं अब उसके बाद भारत ने आज जैसा कि चीन ने अपने टैंक तोप और सैनिकों का जमावड़ा शुरू किया वो उसने शुरू किया है जो लद्दाख के एरिया में प्लेन एरिया है वहां टेंट भी लगाए हैं लेकिन उसके पलट भारत की तैयारी देखकर वो थर थर कांप रहा है क्योंकि भारत ने आज अपनी टी ती, तीन डिवीजन आर्मी फोर्स वहां लगा दी है तीन डिवीजन का मतलब समझ लीजिए लगभग पैंतालीस हजार सैनिक होते हैं तीन डिवीजन में और उस डिवीजन में टैंक भी होती है तोप भी होता है सारा कुछ अमला और पैदल सैनिक भी होते हैं जो हर तरह के युद्ध में निपुण है और हमारे उन सैनिक में सैनिकों में वो सैनिकों की टुकड़ी अधिक संख्या में है जो पहाड़ी क्षेत्र पर युद्ध करने में पूरी तरह निपुण है उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने का जिन्होंने कारगिल की वार भी लड़ी है ऐसे योद्धा भी वहां हैं ऑफिसर जिनकी देखरेख में वहां सारा वो कमान संभाली हुई है और आपको बता दूं कि वहां एक बहुत युद्ध के लिए निर्णायक सिद्ध होने वाला है वो टी नाइनटी टैंक वो हमारे सेना की तरफ से वहां मैदान में तैनात कर दिया गया है ये टी नाइनटी टैंक इसको जो है मिजाइल रोकने के लिए इसमें कवच होता है इसके ऊपर ग्रेनेड काम नहीं करते मिजाइल काम नहीं करती किसी तरह की और इसके अंदर बहुत और फैसिलिटी है एक हजार हॉर्स पावर का इंजन है पांच सौ पचास किलोमीटर तक ये जा सकता है और इसके अंदर नाइन एम वन वन नाइन रिफ्लेक्ट एंटी गाइडेड मिजाइल लगाई गई है जो लगभग पांच किलोमीटर तक जाकर टैंक को तबाह कर सकती है या जहाज को तबाह कर सकती है हमारी तरफ से भारतीय सेना की तरफ से टी नाइनटी टैंक जिसका नाम भीष्म रखा है ये ये टैंक वहां युद्ध क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है इस टैंक की तैनाती के बाद चीन के सैनिक थर थर कांप रहे हैं क्योंकि अब मुकाबला कड़ा होने जा रहा है वहीं आपको बता दूं कि पहाड़ी क्षेत्र में जो रेशो है सैनिकों का वो एक के तुलना में बारह वन की तुलना में ट्वेल्व सैनिक रहते हैं इस तुलना में करना पड़ता है तो आपको बताऊं कि भारत के इस समय पैंतालीस हजार लगभग सैनिक तीन ब्रिगेड में वहां तैनात हैं लद्दाख के क्षेत्र में उसकी तुलना में अगर चीन को टक्कर लेनी है तो अपने पांच लाख सैनिक तैनात करने पड़ेंगे जो संभव नहीं है और इसलिए यह माना जा रहा है कि अब अक्साई चीन बस एक इशारे की देर है क्या स्ट्रेटेजी है सेना जब चाहेगी उसे खाली करा लेगी और वहां से बढ़ते हुए चीन के अंदर दाखिल हो जाएगी ये कुछ ही घंटों का खेल होगा कोई भारत की विजय को रोक नहीं सकता यह कब्जा हुआ क्षेत्र है या तो चीन चुपचाप खाली कर दे नहीं तो भारतीय फौज वहां बस एक इशारे का इंतजार कर रही है वहां हमारे जो सैनिक हैं ये अक्साई चीन को पल भर में में खाली कराने में सर चीन की बात भारत कर रहा है और वहीं पर हमें पाकिस्तान को भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि गलवान घाटी में जिस तरीके से विवाद चल रहा है और वहीं पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो ये देखने वाली बात है कि अभी अभी ये बड़ी खबर आ रही है इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं कि तीन एयरपोर्ट पाकिस्तान के जो चाइना अभी उपयोग कर रहा है और इस वक्त चाइना का एयरफोर्स वहां सुकुर और यार खान और कंदावरी यानी कि पीओके के पास आसपास के ये एयरपोर्ट हैं जो वो उपयोग कर रहा है यानी कि भारत को पीओके के साइड से घेरने की पूरी जालसाजी हो रही है पाकिस्तान और चाइना के तरफ से तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमने देखा जिस तरीके से भारत अगर पीओके और अक्साई चीन की बात करता है पाकिस्तान और चाइना की नींद उड़ जाती है और दोनों साथ में मिलकर अब इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की देखिए वास्तव में ये तो पहले ही आप समझें कि जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने दोनों क्षेत्रफल के लिए कहा कि अक्साई चीन और पीओ ये, ये दोनों भारत का अभिन्न अंग है इस दोनों को हम लेकर रहेंगे और इस संकल्प के साथ ये तो भारत की सरकार और भारत की सेना इसके लिए कृत संकल्प है लेकिन आप देखिए कि जब से चीन ने घुसपैठ की और लद्दाख एरिया में अपनी गतिविधि बढ़ाई आप देखेंगे यहाँ सेना आमने सामने है तो पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन करता रहा है डेली वो रिहायशी एरियों पर बमबारी कर रहा है यानी वो भारत की सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह भारत की सेना ये जो इनका एलएसी का एरिया है जो बॉर्डर एरिया है जम्मू कश्मीर वाला वहां से भी वो मोर्चा खोलने की ताक में बैठा है लेकिन भारत की सेना उसकी चाल को समझती है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के पीछे चाइना ही है क्योंकि आप देखिए कि जो चाइना है जो पीओके है उसके अंदर सी पैक के नाम से अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट चीन ने किया है वो विश्व के कई देशों में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जो रास्ता बना रहा है वहां से वो जो सड़क और रेल मार्ग उसने बनाई है तो वो बनाने के लिए उसको पीओके से होकर गुजरना जरूरी है चीन को और अब जबकि 60 परसेंट काम वो वहां पूरा कर चुका है अरबों रुपए का इन्वेस्ट कर चुका है ऐसे में पीओके अगर भारत खाली कराता है तो उसमें चीन का नुकसान है दोनों तरह से एक तो आर्थिक नुकसान भी है क्योंकि उसका व्यापार आगे बढ़ाने के लिए जो लाइन उसे चाहिए जो मार्ग उसे चाहिए वो बंद हो जाएगा दूसरी बात उसने बार बार इसीलिए देखिए जब भी कभी बात हुई है कि वो जब ये जम्मू और कश्मीर लद्दाख अलग हो रहा था और इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा था तभी चीन ऑब्जेक्शन कर रहा था लद्दाख के एरिया में भी जब पांच अगस्त को अलग किया गया और यूनियन टेरिटरी उसको भारत सरकार ने घोषित किया तो चीन उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा था तो उसके ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए भारत ने यूनियन घोषित कर दिया उसी से से वो तब से ही हुआ था और अब जबकि भारत की सेना दो दो हाथ करने को तैयार है ऐसे में अब चीन धमकी भी दे रहा था आपने पिछले दिनों देखा ग्लोबल टाइम जो उसका मुख्य पत्र है उसने क्या धमकी दी थी उसने भारत को धमकी दी थी कि अगर भारतीय सेना ने अक्साई चीन पर हमला करने की कोशिश की उस क्षेत्र से चीन के ऊपर तो उसको तीन देशों से लड़ना पड़ेगा नेपाल पाकिस्तान और चीन यानी वो पहले ही बता रहा है कि ये तीन देश तो हम एक हैं यानी नेपाल तो है ही है अभी नेपाल में अभी बात चल रही है लेकिन पाकिस्तान तो पहले से जानते हैं कि केवल और केवल चीन के इशारे पर काम करता है तो ये ये उसको करना ही था कि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा उनकी सेना का भी इस्तेमाल करेगा उनके जो है फाइटर प्लेन भी इस्तेमाल कर सकता है और उनकी युद्ध युद्ध के लिए उनकी भूमिका इस्तेमाल कर सकता है यह तो पाकिस्तान वालों को देखना है कि वो किस तरह से जब अगर इस्तेमाल करेगा उसकी सेना चीन की सेना पाकिस्तान में भी आके बैठ जाएगी तब वो उनको वापस कैसे करेंगे तो ये उसके लिए खतरा है भारत के लिए कोई खतरा नहीं है भारत के लिए अगर सारे तीनों मिल भी जाए तो वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे सर आपने बिल्कुल सही कहा जो चाइना ये कहता है कि भारत को तीन मोर्चे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी नेपाल पाकिस्तान और चाइना हमें पहले से ही पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान चाइना का गुलाम है गिरवी रखा जा चुका है चाइना के हाथों और जो चाइना कहेगा वही पाकिस्तान करेगा प्रॉक्सी वार भी चाइना उसी तरीके से कर रहा है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है हम देख रहे हैं किस तरीके से उसका जो उसके हथियार है पाकिस्तान के जितना कूड़ा कचरा है वो चाइना का ही दिया हुआ है इसकी वजह से उसे खुश करने के लिए चाइना उसे हथियार दे देता है फंडिंग करता है और वो किस तरीके से भारत के खिलाफ उसे यूज करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है चाइना के साथ भी दुनिया में कोई खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ भी कोई खड़ा नहीं है आतंकवाद पे वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है सबको पता है चाइना और पाकिस्तान क्या है ये एक दूसरे के लिए ही खड़े हैं कोई और इनके साथ नहीं है बात करें इनके जिस तरीके से ये बात करते हैं जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं ओसामा जो पूरी दुनिया में किस तरीके से बेनकाब हो गए और पाकिस्तान भी बेनकाब हुआ कि आतंकवाद को पनाह दे रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देता है वैसे ये भारत पहले भी कहता आ रहा है लेकिन दुनिया तब मानती है जब उसको सबूत मिल जाए इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद भी इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओसामा शहीद हो गए तो वैसे भी पाकिस्तान का को कोई वजूद नहीं है चाइना भले ही बच जाए अगर भारत से चाइना का युद्ध होता है लेकिन पाकिस्तान का तो नाम भी नहीं बचेगा और वो कहीं का भी नहीं रहेगा पूरी तरीके से वो मटिया मेल होगा और इसी पर तुला हुआ है पाकिस्तान क्योंकि वो चाहता है कि चाइना और भारत का युद्ध हो तो वो उसका खात्मा हो क्योंकि उससे संभल नहीं रही है ना इमरान खान से ना उनकी जो बाजवा है उनसे पाकिस्तान संभल नहीं रहा कोई फायदा है नहीं तो वो चाहते हैं किसी तरह हमारा खात्मा हो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए